नमस्कार मित्रों और बंधुओं, फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप लोग यह समझ जाएंगे कि वाकई में मोबाइल से चलाना और उस पर काम करना कितना बड़ा नुकसानदेह है माइंड के लिए और आँख के लिए। आँख के लिए तो यह नुकसानदेह है ही, साथ में यह माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि भाई इसका यूज ज़्यादा करने से ना आँख भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है। मात्र अगर आप इसका 10 मिनट लगातार यूज करेंगे तो ही भारी हो जाता है। अब चूँकि मतलब कहने का मतलब यह है कि आप अगर नौजवान हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि शरीर में एनर्जी ज़्यादा रहती है उस समय, लेकिन अगर आप थोड़ा सा 35 या 40 वर्ष की उम्र के हैं तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सही है। इसलिए अगर आप मोबाइल की जगह अगर आप लैपटॉप का यूज करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी स्क्रीन से जो रे निकलती है वो अच्छी ही निकलती है, ज़्यादा वो आँख में दर्द नहीं देती है। तो भाई चूँकि मेरा तो बताना काम है, लेकिन अगर आप उसे नहीं समझ रहे हैं तो अलग की बात है। इसलिए अगर आप मोबाइल की जगह लैपटॉप का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा है कि मैं अगर मोबाइल पर ज़्यादा देर देख लेता हूँ, या मैंने अपने मित्र बंधुओं से भी बात की है, तो लोग बोलते हैं कि भाई आँख दर्द करने लगता है, सर भारी होने लगता है, और तो इस कारण से ज़्यादा वो यूज ना करें। और वही अगर लैपटॉप पर मेरे मित्र काम करते तो बोलते हैं 6-6, 8-8 घंटे भी आराम से काम कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आई प्रोटेक्शन नहीं लगाया है, मैंने येलो फिल्टर लगाया है उसके बावजूद भी ये समस्या है। मैं बता दे रहा हूँ कौन सा येलो फिल्टर लगाया है, आप प्ले स्टोर पर सर्च मारेंगे चला आएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, कहने को ये बात छोटी है लेकिन काफ़ी काम की है। तो आप अगर अपना आई प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, माइंड को थोड़ा सही रखना चाहते हैं, तो आप मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल पर ज़्यादा काम ना करें। अगर आप बिजनेस वर्क करते हैं तो आप ज़रूर ज़रूर से लैपटॉप पर चलाइए। 10-12 हज़ार रुपये का या 15 हज़ार रुपये का ये मोबाइल मिलता है, अगर आप 3-4 हज़ार और लगा देंगे तो 16-17 हज़ार में आपको बहुत अच्छा खासा लैपटॉप मिल जाएगा, जिस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो भाई जानकारी देना मेरा काम था, अब फैसला और डिसीजन लेना तो आपका काम है कि भाई आप कौन सा डिसीजन लेते हैं। वैसे सही समय पर सही डिसीजन लेना बुद्धिमान लोगों की निशानी है, तो आप सही समय पर सही डिसीजन ले लें। और मैं ये भी कहूँगा अंत में कि सोते समय आप अपना मोबाइल्स और दूसरे अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं अगर संभव हो सके तो स्विच ऑफ करके ही रख दें, क्योंकि रात में आप सोएंगे और आपके अगर वो सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑन रहेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेंगे, और इससे क्या होगा, माइंड पर बुरा असर पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, चूँकि ये वीडियो शॉर्ट था, और आज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। छोटी सी है लेकिन आपके हेल्थ और माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है, अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि भाई स्वास्थ्य से काम लेना है ना, स्वास्थ्य से ही आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य से ही आप धन प्राप्त करेंगे, और स्वास्थ्य से ही, अच्छे स्वास्थ्य से ही आप ज्ञान और धन दोनों प्राप्त करेंगे। वैसे ज्ञान और धन प्राप्त करने की बात आई तो मैं तो यही कहूँगा कि धन से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कीमती ज्ञान होता है, और ज्ञान में भी कई तरह का ज्ञान है, साधारण ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और सबसे जो सुंदर ज्ञान है ना वो गीता वेद पुराण का ही ज्ञान है, जिसको कि धर्म ज्ञान कहते हैं, मतलब सर्वोत्तम ज्ञान है, सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान वही है। इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे, या कुछ लोग ही समझ रहे होंगे, 2-4%, क्योंकि इस समय भाई कंप्यूटर का ज़माना है, ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो आजकल चल रहा है पैटर्न पे, उसको ही ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, इस तरह की चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इस फील्ड में, मतलब नॉलेज के फील्ड में उतरेंगे, खुद ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वाकई में जो मैं गीता और 4 वेद और 18 पुराण की बात कर रहा हूँ वो एकदम लाजवाब और बेस्ट है। क्योंकि पर्सनली मैंने BTEC किया है, और मैं जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई में नॉलेज अनलिमिटेड है, और पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। उसके आगे तो आपका BTEC का डिग्री, MBBS की डिग्री सब फर्जी है, बेकार लगने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए संजय सिंह इंडिया एजुकेशन TV। थैंक यू वेरी मच।